अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिलाल। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूं जिसे मैं अक्सर घर में ट्राई करता हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसे शेयर किया जाए। उस रेसिपी का नाम है चीज़ी चिकपो रोल। नाम तो आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन जब इसे आप ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 2 लार्ज साइज के आलू लिए हैं जिसे बॉयल करके हमने मैश कर लिया है, और 1/2 कप चिकन लिया है बॉयल किया हुआ और श्रेडेड किया हुआ। हसबे ज़रूरत ब्रेड क्रम्स लिए हैं कोट करने के लिए। मुजरेला चीज़ लिया है हसबे ज़रूरत, इसे हमने लंबाई में काट लिया है। 1 टेबल स्पून हरा धनिया लिया कटा हुआ और 1 टेबल स्पून पुदीना लिया कटा हुआ। 1 अंडा लेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। 1 छोटी साइज की कटी हुई प्याज लेंगे और 2 अदद हरी मिर्चें लेंगे कटी हुई। तो सबसे पहले आलुओं में चिकन डालेंगे, प्याज डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, नमक, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, हरा धनिया और पुदीना। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें चीज़ की स्टफिंग करके रोल तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा हाथ में लेंगे, इसे प्रेस करेंगे, इसमें एक स्टिक रख देंगे चीज़ की, और इसे इस तरह करके इस तरह बना के रखते जाएंगे। तो ये रेडी है। अब इसे हम कोटिंग करते हैं ब्रेड क्रम्स की और एग की। तो पहले अंडे को फेंट लेंगे, अंडा थोड़ा कम लग रहा है एक और डाल देंगे। एक रोल पकड़ेंगे, इसे कोट करेंगे अंडे में, फिर इसका कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में साफ हाथ से। और इसे रखते जाएंगे, इसी तरह सारे काट लेंगे। बहुत ही ईजी हैं, आप आसानी से बना सकते हैं इसको। ये देखिए सारे बन भी गए। इतना ईजी है कुकिंग करना, लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो गया, इतना मुश्किल है। ये देखिए रेडी हैं सब, इतना सा काम था। अब इसे आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं 1 महीने के लिए। आप इसे बना के रख लें रमज़ान में, जब इफ्तारी हो इसको निकालें, फ्रीज़ किया हुआ जो होगा इसको फ्राई करें। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो एक कढ़ाई ले लें, उसमें अच्छे से ऑयल को गर्म कर लें और फ्लेम को आपने हाई रखना है। तो आप इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे। बहुत ही इजी है, आराम से आप इसे बना सकते हैं। तो इसे भी हम निकाल लेंगे, ये भी हो गए हैं। तो तैयार है हमारे चीज़ी चिकपो रोल। इसे चिकपो इसलिए मैंने नाम दिया है कि चिक मतलब चिकन और पो मतलब पोटैटो, मतलब के आलू, इसलिए इसका नाम है चीज़ी चिकपो रोल। चीज़ भी है, पोटैटो भी है और चिकन भी है। तो आप इसे तोड़ के दिखाएंगे, ये देखें। वाओ, चीज़ी, मज़े के। तो कैसी लगी आपको ये चीज़ी चिकपो रोल की रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे कुकिंग का स्टाइल कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।